मेरा नाम संतोष वर्मा है, मैं राजधानी ट्रांसपोर्ट का ओनर हूँ और मैं करीब इस लाइन में 95 से आया हूँ। 95 में सबसे पहले हम लोग चीनी का काम था, हम लोग का जो सीतापुर से सीधा सतना चलती थी, तो सतना से उधर सीमेंट लाती थी। इस बीच 2000 में पुल टूटा सतना का, तो इसलिए फैक्ट्री के हम लोग को डायरेक्ट काम मिला। रायबरेली में यूनिट है इनकी, बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड की, इससे हमको डायरेक्ट काम मिला। तो 2004 से हम लोग यहाँ से बिरला से काम कर रहे हैं। उसके बाद जेपी में टांडा से 2006 में हम लोगों ने काम किया, वहाँ भी काफ़ी अच्छा काम, करीब 15 से 20 हज़ार टन वहाँ से भी उठाया है माल। इस बीच हम लोगों ने अपनी 40 गाड़ियाँ कर ली हैं। मेक इसमें टाटा है, अशोक लीलैंड है और आयशर। इसमें 6 चक्का 12 चक्का और 14 चक्का जो अभी हमने आयशर के लिए हैं, और 100 गाड़ी जो हमारे अंडरटेक में चल रही हैं, तो करीब 150 गाड़ी हमारे यहाँ चल रही हैं। आयशर के बारे में काफ़ी हम लोग सुनते थे और दोस्त यार हमारे काफ़ी गाड़ी उनके पास, तो सन 2017 जनवरी में हम लोगों ने 2 35 31 उठाई, जो 4-5 महीने चलाने के बाद लगा कि काफ़ी रिस्पांस और उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, इसलिए हम लोगों ने अभी जुलाई में 5 प्रो 6037 गाड़ी और ली 14 चक्के। ये गाड़ी हमने फुली बिल्टअप लिया था, जो कि खाली एक तरफ चलती है, दूसरी तरफ से माल लेके आती है। लखनऊ से जो रायबरेली चलती है उसका एवरेज 376 प्लस आता है, और जो लखनऊ से झांसी खाली और प्लस उधर से जो माल लेकर आती है उसका एवरेज आता है 4.26। वो एवरेज काफ़ी अच्छा रहा झांसी वाला। लखनऊ थोड़ा जाम बहुत रहता है, रायबरेली में थोड़ा सा ना गाड़ी स्लो चलती है, हर जगह ब्रेक मारना और जाम मिलना, उससे थोड़ा एवरेज कम आता है। झांसी एक 300 किलोमीटर होता है, उसमें सीधे चलते रहे हाईवे पे, उससे एवरेज अच्छा आता हमारी गाड़ियों में। पूरे यूपी में कहीं भी जाती है वो सीमेंट ही लेके आएगी, और एक तरफ खाली चलती है, हम लोग कोई माल नहीं लाते हैं क्योंकि टेंडर कंपनी का है, हम लोग ला नहीं सकते हैं कोई माल। बोरी होती है 25 टन में होता है, 500 बोरी होती है 14 चक्के में, और 400 बोरी होती है 12 चक्के में। और कंपनियों की गाड़ी जो हमारे यहाँ चल रही है, हमारी अपनी भी जो गाड़ी चल रही है 12 चक्का लखनऊ से रायबरेली, इसमें 60 लीटर डीजल आता है, और जो 14 चक्के चलते हैं आयशर के, इसमें 50 लीटर डीजल आता है, जो कि इसमें 5 टन माल भी हमको एक्स्ट्रा मिलता है, 25 टन पास है हमारी, और जो 12 चक्के हैं वो 20 टन पास हैं, तो इससे हमारा करीब 20 से 25 ट्रिप लगते हैं। इसमें हमको 10 लीटर डीजल 600 रुपये प्लस 3500 रुपये भाड़ा, 45 से 46 रुपये पर चक्कर हमको बचता है एक्स्ट्रा, जो कि करीब करीब 70,000 से 1,00,000 रुपये तक महीना हमारी एक्स्ट्रा बचत हो रही है आयशर की गाड़ियों पर। आयशर की गाड़ियों में सबसे अच्छी खासियत ये है कि जब भी ड्राइवर अगर ख़राब चलाता है तो तुरंत उसमें सिग्नल आ जाते हैं, तो उसमें हम ये पता, जब हम लोग चेक करते हैं जाके पता चलता है, उसको समझाते हैं कि कैसे चलाना है आगे, जिससे हमारा एवरेज सही आए। टाटा की गाड़ी और लीलैंड की गाड़ी जो ड्राइवर हमारे चलाते हैं वो काफ़ी मतलब नाखुश हैं, और जो ये गाड़ी चला रहे हैं काफ़ी खुश हैं, इससे इनको चलाने में बिल्कुल कम्फर्टेबल महसूस होता है, बिल्कुल हल्की और स्टेयरिंग और सब बहुत अच्छी है इनकी। आयशर की तो हर ड्राइवर चाहता है कि मुझे आयशर की गाड़ी दीजिए भैया, मैं यही चलाऊँगा, बिल्कुल जैसे मारुति चलती है वैसे चलती गाड़ी है, पिकअप में बहुत अच्छी गाड़ी है। प्रो 6037 पे जो हमने कॉन्फिडेंस दिखाया था वो बिल्कुल अपनी जगह खड़ी उतरी है। ये माइलेज और प्लस माल के हिसाब से गाड़ी अच्छी चलने में सबसे यही सजेस्ट करूँगा, एक गाड़ी जरूर लेके चलाएं, क्योंकि हमें अच्छा रिस्पांस मिल रही है, हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेंगे ये गाड़ी।